एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज का ये जो मेकअप लुक है मैंने अचीव किया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। और आज का वीडियो आपने टाइटल पढ़ के ही समझ लिया होगा कि बिगिनर्स के लिए है। जी हाँ, जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता, आज मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो और खूबसूरत से खूबसूरत मेकअप अचीव कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। और ये मेकअप लुक मैंने अचीव किया है, और ये भी कैसे किया है ये भी आप देख सकोगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेकअप करने से पहले हमें स्किन केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं टोनर, इससे हमारा पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। साथ ही इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे सीरम का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो किसी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सीरम स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोई बनाएगा, हमारे मेकअप को स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग करेगा और हमारा मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरम का इस्तेमाल किया है। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करो जल्दबाजी में मत करो, 1 से 2 मिनट उसे टाइम दो ताकि वो सेट हो जाए। इसके बाद मैं अब यहाँ पे लगाने जा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर है लोटस इको स्टे का। प्राइमर आपकी स्किन को मेकअप के लिए तैयार करता है, छोटे छोटे गड्ढों को भरकर एक सॉफ्ट चमकता बेस तैयार करता है। इससे आपका मेकअप भी ज़्यादा देर तक टिकेगा। इसके बाद आपको लेना है फाउंडेशन, या फिर आप चाहो तो BBCC क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट मूज क्रीम लिया हुआ है। आप फाउंडेशन कोई भी ले सकते हो और इस तरीके से डॉट डॉट करके आप अप्लाई कर लो। उसके बाद आप कोई भी ब्रश या फिर आप कुछ इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसे पानी में भिंगा लो और उसे निचोड़ कर कुछ इस तरीके से डैप डैप करके अपने फेस पे फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लो। इससे आपका जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा थोप लिया है अपने फेस पे। और हाथ से करने से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप है, हमारा जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा पैची लगता है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार ट्राई किया करो। इसके बाद अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की। तो इसके लिए कंसीलर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसे दोबारा आप यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपका स्किन टोन अनइवन लग रहा है वहाँ पे आप कंसीलर लगा लो। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप दोबारा से किसी फाउंडेशन को, किसी लाइट फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आप अप्लाई कर लो, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे सेट कर दो। कंसीलर आपके दाग धब्बों को छुपाता है। आपके जहाँ भी दाग धब्बे हैं वहाँ पे आप 1 से 2 कोट इसे लगा सकते हो। आपके दाग धब्बे बिल्कुल भी छिप जाएंगे और आपकी स्किन टोन भी इवन लगेगी। इसके बाद बारी आती है हमारे आईब्रोज की। तो अब हम यहाँ पे अपने आईब्रोज को सेट करेंगे। आईब्रोज को सेट करने के लिए आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी भी आई पाउडर, जो ये मैंने लिया हुआ है आईब्रो पाउडर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आई पेंसिल से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा नेचुरल दिखता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है और लंबे समय तक टिका भी रहता है। बट पेंसिल्स में ऐसा नहीं होता, वो अगर आपको सही से चलाना नहीं आया तो आपका जो आईब्रो है वो बहुत ही ज़्यादा उगा हुआ और ब्लैक ब्लैक दिखेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ आई मेकअप के लिए, आई शेडो मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ट्रांजेक्शन सेड इसलिए ताकि आप कोई भी आई शेडो लगाओ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे और उभर के आए वो चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा पैचेस नज़र ना आए। इसके बाद हम लेने वाले हैं एक डार्क ब्राउन शेड, जो कि एक तरफ मैंने किया हुआ है आप देख सकते हो। एक तरफ जो आपका जो आउटर वी है, आपकी आंखों का जो आउटर वी आपको वहाँ पे बना लेना है। तो आउटर कॉर्नर में आपको वी शेप में आपको कुछ इस तरीके से कोई डार्क कलर चूज़ करना है। उसके बाद आपको इनर कॉर्नर पे कोई लाइट कलर आप चूज़ कर सकते हो, इससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और दोनों एजेस को, दोनों आई शेडो के एजेस को हमें अच्छे से मिला देना है ताकि कुछ उभरा हुआ नज़र ना आए। इससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रियल लगेगा। इसके बाद इसके ऊपर से मैंने ग्लिटर चिपकाया हुआ है। बहुत सारे ग्लिटर आई शेडो आते हैं, बस उसे आपको अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एजेस को हटाने के लिए, आई शेडो के एजेस को हटाने के लिए एक डार्क सेट ले करके उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से स्मज कर दिया है, और नीचे मैं आईलिड पे भी कुछ इस तरीके से स्मज कर दूंगी।
उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आई शेडो आपके आंखों के आसपास गिरा हुआ है उसे आप कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से हटा दो। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक कर्लर लेना है, इससे आपका जो आई लेस है वो काफ़ी खूबसूरत और कर्ल दिखेगा। इसके बाद अगर आप दो बार मस्करा लगा लोगे तो आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, आपको फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे स्केच आईलाइनर लिया हुआ है क्योंकि बिगिनर्स मेकअप है, तो स्केच आईलाइनर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा मेकअप के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है लैक्मे आइकॉनिक काजल, जो कि हर लोकल मार्केट पर ईजिली अवेलेबल है, तो इसे आप थोड़ा सा डार्क करके अपनी आंखों पे लगा लो। और अगर आप चाहो तो लाइनर को नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने काजल लिया हुआ है। और उसके बाद आप हल्का सा उसे स्मज कर दो ताकि थोड़ा सा स्मोकी आई लुक आपको मिले। इसके बाद आप लगा लो मस्करा, तो मस्करा आपको दो बार आप लगाओ, इससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो आपके आई लैसेज है ना और भी ज़्यादा घनी और ब्लैक ब्लैक दिखेगी, आपकी आँखें बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगी। इसे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाना है ताकि आपकी आपका जो मेकअप है ख़राब ना हो। इधर उधर लगने के बाद क्या होता है ना कि मेकअप ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद लास्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे फेस पाउडर। इससे क्या होता है ना, लास्ट में मैंने फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट इसलिए यूज़ किया कि अगर कोई भी आई शेडो वगैरह भी आपकी आँखों के आसपास गिरा हुआ होगा तो ये उसे हटा देगा और कुछ अलग लुक आपको मिलेगा। इसके बाद आपको लास्ट यूज़ करना है ब्लश। बस थोड़ा सा स्माइल करो और ब्लश अप्लाई कर लो। हल्का सा ब्लश ब्रश में लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ब्रश से झटक कर झाड़ लीजिए, फिर मुस्कुराइए और गाल का जो हिस्सा उठा हुआ है वहाँ पे आप लगा लीजिए अपने ब्लश को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप करो ना करो बट हाइलाइटर ज़रूर लगाओ। इससे आपके चेहरे का जो डायमेंशन देने के लिए एक अच्छा हाइलाइटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, चेहरे के जो हाई पॉइंट जैसे चेक बोन, नाक की रीज, ठोड़ी पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाइए। और धूप में जाना तो हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रा संभाल के कीजिएगा, नहीं तो आप एक चमकती डिस्को वाली लगेंगी। तो हल्का सा कम कीजिएगा जब आपको बाहर कहीं धूप में निकलना होगा, तो रात के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लिपस्टिक लगाने से पहले ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर। लिप लाइनर से आपका जो लिप्स है, आपका कोई भी शेप क्यों ना हो, आप अच्छा खासा शेप दे सकते हो अपने होठों को और अपनी मनचाहे लिपस्टिक की कलर आप लगा सकते हो।